ओ हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी भाई ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। आज हम आ गए हैं फिर से नई वीडियो के साथ आपके लिए, न्यू ट्रेंडिंग लोगो एडिटिंग के लिए। लोगो बनाने के लिए सबसे पहले हमें पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना है। अगर ये आपके फ़ोन में डाउनलोड नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। पिक्सल ऐप को ओपन कर लेने के बाद सबसे पहले आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, इमेज साइज पर जाना है। इमेज साइज पर नहीं जाना है, आपको नीचे पाँच ऑप्शन मिलेंगे जिसके लिए आपको चौथे वाले ऑप्शन पर जाना है। फिर आपको आगे स्लाइड करके फ्रॉम गैली पर जाना है। फ्रॉम गैली पर जाने के बाद आपको एक बैकग्राउंड की लिंक मिल जाएगी जिसे आपको डाउनलोड कर लेना है। इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेने के बाद आपको सही पर टैप कर देना है। ये आपका कुछ इस प्रकार अपनी साइज में लग के आ जाएगा। फिर आपको इसे साइड में करना है न्यू टेक्स्ट को, और नीचे आपको तीसरे वाले ऑप्शन पर आना है। तीसरे वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपको सबसे पहले इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है। इम्पोर्ट पे टैप कर लेने के बाद आपको जो भी आपका मतलब जो भी आपका लोगो है, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, जो भी आपका लोगो है वो यहाँ पर आपको ले लेना है। मतलब डीपी पे आप जो भी फोटो लगाए रखे हैं उसे आपको ले लेना है। हम भी ले लेते हैं हमारा फोटो डीपी का। फोटो को ले लेने के बाद आपको इसे क्रॉप कर लेना है। फोटो को ले लेने के बाद आपको इसे गोलाकार में ले लेना है, कुछ इस प्रकार। इसे ले लेने के बाद सही पर टैप कर देना है। आपको इसकी साइज को डिक्रीज कर देना है जिससे क्या हो, गोला में इस वाले गोल सर्कल में आइए, आसानी से आ जाए। फिर आपको आगे आना है स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर, इसे ऑन करना है और पिंक कलर को आपको ले लेना है, पिंक नहीं मतलब ब्लू। फिर आपको सेव पर टैप कर देना है। फिर आपको आ जाना है शेडो में, इसे ऑन करके आपको उसी वाले कलर को फिर से ले लेना है। उसे ले लेने के बाद आपको इसे बीच सर्कल में बीच में लाकर रख देना है। इसके साथ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। बीच में लाकर रख देने के बाद मेरे से ये अच्छे से नहीं हुआ तो आप माफ़ी चाहता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अच्छे से आपको इसे सेट कर लेना है जिससे क्या होगा, ये अब बहुत ही अच्छा लगेगा हमारा लोगो। फिर लेयर वाले आइकन पर जाकर इसे लॉक कर देना है। न्यू टेक्स्ट पर आपको डबल बार टैप करना है। डबल बार टैप कर लेने के बाद जो भी आपका नाम है, यूजर नेम है, वो यहाँ पर आपको लिख लेना है। लिख लेने के बाद ओके पर आपको टैप कर देना है। ओके पर टैप कर देने के बाद आपको ए वाले ऑप्शन पर आना है, आगे स्लाइड करना है और फॉन्ट में आपको आ जाना है। फॉन्ट में आने के बाद अगर आप इसमें से भी कोई सा भी एक फॉन्ट यूज करना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगे वह भी कर सकते हैं, वरना मैं जो फॉन्ट दूंगा आप उसे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम लेमन बोल्ड इस वाले फॉन्ट को यूज करेंगे। ओके पर टैप करना है। आपको इसकी साइज को डिक्रीज कर लेना है। साइज को डिक्रीज कर लेने के बाद साइड में से लाएंगे, आगे स्लाइड करेंगे और यहाँ से आपको कलर में आके इसमें जो भी कलर आपको वाइट ही रहने देते हैं, वाइट काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर तो आपको स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर आना है, इसे ऑन करना है, सही पर टैप कर देना है। शेडो में आना है, शेडो को ऑन करके आपको इसमें स्काई इस वाले नहीं जो इसमें कलर है वही हम इसमें ले लेते हैं जो हमने पहले यूज किया था। फिर आपको सही पर टैप कर देना है। सही पर टैप कर देने के बाद न्यू टेक्स्ट पर सबसे पहले इसी वाले जो भी हमने टेक्स्ट लिखा इस पर टैप कर देंगे, कॉपी वाले बटन पर टैप कर देंगे, ये कॉपी होके आ जाएगा। फिर आपको इस पर डबल बार टैप करना है और यहाँ पर आपको लिख लेना है फॉलो मी। फॉलो मी लिख लेने के बाद ओके पर आपको टैप कर देना है। सबसे फिर से लिख लेते हैं फॉलो मी। ओके पर टैप कर देने के बाद आपको आगे स्लाइड करना है, फॉन्ट में आना है, फॉन्ट में आके माई फॉन्ट में जाना है और यहाँ से आप इस वाले फॉन्ट को ले लेना है। फिर आपको इसे यहाँ पर लाना है और कुछ इस प्रकार से रख देना है। फिर आपको तीसरे वाले ऑप्शन पर आना है, इम्पोर्ट पे आना है। इम्पोर्ट पे आ जाने के बाद आगे स्लाइड करना है, नीचे स्लाइड करना है और यहाँ से इस वाली पीएनजी को ले लेना है, सोशल मीडिया पीएनजी। आगे स्लाइड करना है,
इरेजर क्लब पर इसे ऑन करना है, पेंसिल वाले बटन पर टैप करना है और सही पर टैप कर देना है। देख सकते हैं आप इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। सही पर टैप करेंगे, इसके साइज को डिक्रीज कर लेंगे कुछ इस प्रकार और इसे साइड में ला कर रख देंगे। ये देख सकते हैं फाइनली हमारा लोगो बन के रेडी हो चुका है। इसमें ज़्यादा देरी नहीं लगती, आप कुछ ही सेकंडों में अपना लोगो बना सकते हैं, वह भी बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही अच्छा। फिर हम ये जाएंगे इसे सेव करने के लिए, सेव वाले आइकन पर जाकर इसे अल्ट्रा करके आपको सेव टू गैलरी पर टैप कर देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।